बुरहानपुर जिले के 65 गांव में तड़बी उपाधि भील जाति के लोग निवास करते हैं। AIMIM जिला अध्यक्ष जहीर उद्दीन शेख ने कहा है कि जिला प्रशासन के अफसर खुद के आदेशों को नहीं मान रहे, इससे 65 गांव में रहने वाले तड़बी उपाधि भील जाति के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया और इस दौरान मोसीम तड़बी, अब्बास तड़बी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। दरअसल कहा गया है कि संवैधानिक अधिकारों से इन्हें वंचित करने और व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए इन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं जारी कर उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ये भी हवाला दिया कि मध्य प्रदेश शासन ने 8 अगस्त 2001 को जारी आदेश के अनुसार स्पष्ट कहा है कि भील जाति के वे लोग जो अनुसूचित जनजाति के हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र इस आधार पर वंचित न किया जाए कि वह अपने नाम के साथ तड़बी उपाधि का उपयोग करते हैं। फिर भी प्रशासनिक अफसर इस आदेश को मानने को तैयार नहीं। तड़बी उपाधि भील जाति के समाजजनों ने इसे लेकर मानव अधिकार आयोग को शिकायत की थी। शिकायत के बाद कलेक्टर ने 6 फरवरी 2024 को मानव अधिकार आयोग को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा और उसमें स्पष्ट कहा कि मुस्लिम धर्मावलंबी तड़बी समुदाय के व्यक्ति विशेष को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु 1950 की स्थिति में भील जाति के दस्तावेज के साथ लोक सेवा में आवेदन करने पर अगर जांच में 1950 की स्थिति में भील जाति के दस्तावेज पाए जाते हैं तो ऐसे प्रकरण में उन्हें अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। ज्ञापन हम शिक्षा विभाग और पटवारी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ देने आए थे। वो क्या कर रहे हैं कि एक तड़ीजुल समाज की जाति काटने का काम कर रहे हैं स्कूलों के रिकॉर्डों से, और पटवारी तो मतलब अपने हिसाब से मतलब रिपोर्ट बना बना के दे रहे हैं, ओबीसी जाति के बना के दे रहे, जबकि मेरे समाज मतलब मेरी जाति डिसाइड करने वाला कौन होता है, वो अपनी मन मर्जी से प्रतिवेदन बना के दे रहे हो और ATM भी बिना जांच की निरस्त कर दे रहे हो उनके आवेदनों को, क्योंकि पुनः दोबारा जांच करने को कोई ये नहीं समझ रहे हो और उसको जांच कर दे। कौन कौन शासन के आदेश जारी हुए और क्यों? मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग ने 2001 में आदेश जारी किया है। फिर पुनः हम मानव अधिकार आयोग में गए थे हम अभी, तो फरवरी महीने 2024 में कलेक्टर यहीं से हमें एक आदेश दिया गया कि 1950 की स्थिति में जिनके पास भी भील जाति के संबंधित दस्तावेज हैं उनके आधार पर हम जारी करेंगे। फिर भी मतलब अधिकारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी धर्म को आगे ला दे रहे हैं, तो ऐसा कहीं धर्म का कुछ लिखा नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए धर्म का पालन होना, वो कोई भी धर्म को मान सकता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर भी मतलब जानबूझ के मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मतलब मेरा नाम असलम तड़बी द्वारा दिया गया। देखिए आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष MIM जिला बुरहानपुर और तड़बी भील समाज की ओर से एक ज्ञापन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के गदर नोटिफिकेशन के अंदर भील तड़बी भील समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जिला बुरहानपुर के कुछ पटवारी और कुछ शिक्षा विभाग के शिक्षक व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए इन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, और ये जब भी जाति प्रमाण पत्र का आवेदन दे रहे हैं तो बेसिकली स्कूल का रिकॉर्ड और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए ऐसे औंधे चित्ते पेश कर रहे हैं कि जिसके आधार पर उनके जाति प्रमाण पत्र उनको नहीं मिल पा रहे, वो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। जिसका प्रमाण एक मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग की हरकतें, कि जिन छात्रों के आगे तड़बी भील लिखा है स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर, तो कुछ शिक्षकों ने उसके आगे शब्द भील को हटा दिया है, मात्र तड़बी रखकर इस षड्यंत्र को रचा जा रहा है कि तड़बी भील समाज को सिर्फ OBC में रखा जाए, ना कि अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। ये उसका प्रमाण आपके सामने हमने मराठी पार्टी में सलाम हो। क्या नाम आपका? एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख, MIM जिलाध्यक्ष बुरहानपुर। हम ग्राम भावसा से आए हैं और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, तो हम बच्चों का भविष्य के उज्ज्वल के लिए यहाँ पर आए हैं, और अभी हमारे असलम भाई ने जो बोला है उसके लिए उनके सहयोग में हम सब एकत्रित हुए हैं। समाज के लोग हम तड़बी समाज के, तो 64-65 गांव है और 60-70 हज़ार आबादी है। जी हाँ, मेरा नाम अब्बास नवाब तड़बी भावसा। बुरहानपुर से ही शकील खान की रिपोर्ट।